हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं ये दो कलर का डिज़ाइन। बहुत ही प्यारा है, देखिए आप देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से ये बन जाता है। ये पांच के मल्टीपल फंदों में ये डिज़ाइन बनता है। पांच फंदों के मल्टीपल के हिसाब से आप लीजिए और दो फंदे एक्स्ट्रा। तीन ये हैं, दो ये, तीन दो, तो इस तरह से ये पांच के मल्टीपल फंदों का डिज़ाइन है और चार सिलाइयों में एक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है। चार सिलाइयों का एक डिज़ाइन है, दूसरी चार, ये चार, इस तरह से चार सिलाइयों का एक डिज़ाइन है। मैंने इसमें 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं क्योंकि मेरी ऊन थोड़ी पतली है, तो मैंने 10 नंबर की यूज़ की हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और आइए अब देखते हैं अपनी बुनाई को कैसे बनाते हैं। देखिए हमने आपको बताने के लिए सिलाई में 12 फंदे डाल दिए हैं, पांच पांच डिज़ाइन के हिसाब से, दो फंदे एक्स्ट्रा और 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। देखिए पहली लाइन हम सीधी तरफ से बुनेंगे, तो हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे बना लिए हैं, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बना लिए, धागा आगे किया, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, तीन, तीन फंदे सीधे बन गए, धागा आगे किया और दो फंदे उल्टे। उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई, ये फंदे जो सीधे हैं इन्हें हम सीधा बुनेंगे, तो दो फंदे सीधे, फिर दो, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे उल्टे बन गए, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे किया और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे। ये फ्रेंड पहली बार होता है जब हमें ये दो सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बुननी पड़ती हैं, दोबारा में हमें ये नहीं बनानी है, ये सिर्फ पहली बार में बनानी पड़ती हैं, दोबारा ये दो लाइनें नहीं बुननी हैं। अब देखिए क्या करेंगे, दो फंदे उल्टे, तीसरी सिलाई है हमारी। वैसे डिज़ाइन अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो ये पहली है, वैसे ये दो सिलाइयाँ जो मैंने बुनी हैं ये एक्स्ट्रा में है। तो आप देखिए सीधी तरफ से ये तीन फंदे जो हमारे सीधे आ गए हैं, इन्हीं पर हम देखिए एक दो, और ये जो तीसरा फंदा है सेंटर का नीचे से तीसरा फंदा, यहाँ से हम एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे इस तरह से, फिर तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, उसके बाद में फिर से जहाँ से हमने पहले निकाला था एक फंदा एक्स्ट्रा, वहीं से हम दोबारा निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से देखिए फंदा निकल आया हमारा। अब हम दो फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से इन तीन जो सीधे हैं उन पर डिज़ाइन बनाएंगे, बीच वाले सेंटर वाले फंदे पर एक दो तीन, और फिर तीन के सेंटर से एक फंदा निकालेंगे, फिर तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, और जहाँ से हमने ये पहले निकाला है यहीं से हम फिर से निकालेंगे एक फंदा इस तरह से। ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा निकल आया, धागे आगे करेंगे हम और हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे, उल्टी तरफ से दो फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे अपनी तरफ और ये जो एक्स्ट्रा वाला फंदा है इसे बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर ये फंदा एक्स्ट्रा वाला है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा जो एक्स्ट्रा वाला है
इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं। तीन फंदे उल्टे, फिर एक्स्ट्रा वाला फंदा, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं और धागा पीछे करेंगे। दो फंदे सीधे। अब देखिए सीधी तरफ से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा वाले फंदे हैं इसके हम ये पीछे वाले फंदे के साथ में लेंगे, दोनों फंदे एक साथ इस तरह से लेंगे, इसके बीच से लेंगे इस तरह से, और एक फंदा निकाल दिया। फिर ये फंदा हम सीधा बुनेंगे और इस वाले फंदे को इसके साथ लेंगे, पर ये वाला फंदा इस तरह से लेंगे, धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को, ये एक्स्ट्रा वाला फंदा, इसको इसके साथ लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस फंदे को इस फंदे के साथ लेंगे, इस एक्स्ट्रा वाले फंदे को इस फंदे के साथ, पर ये वाला पीछे से इस तरह से लेते हुए लेंगे, धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, उल्टी तरफ से, फिर दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे। अब देखिए यही हमारी जो लाइनें हैं, चार लाइनें बुनाई वाली, यही हमें बार बार रिपीट करनी है। एक बार थोड़ा सा हम दूसरा धागा आपको दिखा रहे हैं, जब दूसरा धागा लेंगे तो हम फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और फिर से ये तीन फंदे हैं, इन्हीं पर डिज़ाइन बनेगा हमारा, एक दो तीन, इस तरह से लिया, तीन फंदे सीधे बनाएंगे हम, फिर से यहीं से फंदा निकालेंगे। अब देखिए इस बार हमने वो जो दो सलाई में दो उल्टे दो सीधे बुनी थी वो नहीं बुननी है, सीधे बुनाई बन जानी है हमारी। दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और फिर से हम एक फंदा निकालेंगे एक्स्ट्रा और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा एक्स्ट्रा निकालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड इसी तरह से ये हमारा डिज़ाइन आगे बनता चले जाएगा। आपको यही जो अभी मैंने बताई हैं यही आपको बार बार रिपीट करनी है और आपका डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा।